घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शास्त्रीय गायकी जब हम सीखते हैं तो जो शुरुआती दौर में हमें चीजें सिखाई जाती हैं उसमें अलंकार आते हैं, और जब हम अलंकारों को गाते हैं तब उनका उच्चारण अगर साफ हो तो स्वर भी गले में ठीक ठीक बैठ जाते हैं, और जो आवाज़ का थ्रो है, जो पंच है वॉइस का, वो भी अच्छा आता है। तो उनके उच्चारण के लिए आपने देखा होगा कि उनके जो शब्द हैं, जो सात स्वर हैं, आप जानते हैं क्या क्या हैं, सा रे ग म प ध नि सा, है ना। मगर कई लोग कहते हैं कि इनका उच्चारण जो है वो सा रे गा मा पा धा नि सा ऐसे कराते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि ग को ग न बुलवा कर गा बुलवाते हैं, मा पा धा आ की मात्रा लगाते हैं साथ में। तो वो क्यों होता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं उस पर चर्चा करेंगे, और फिर उसको गायकी में जब अप्लाई करते हैं तब क्या स्वरूप हो जाता है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो जो हर सिंगर को बताई जाती है कि जब आप गायकी करते हैं तो थोड़ा मुंह खोलिए। हर कोई बोलता है कि थोड़ा मुंह खोल के गाओ। मुंह खोलने से क्या फ़ायदा होता है, अंदर से आवाज़ का प्रोजेक्शन जो है, जो जिस तरह से बाहर आ रही है वो फुल फोर्स से आती है, जो आपकी कैपेसिटी है, आपकी जो ओरिजिनल आवाज़ है वो बाहर तक निकलती है, दम आता है आवाज़ में। वरना आप धीरे धीरे मुंह खोल के गाओ यही चीज़, है ना, ऐसे, और एक ये आपने मुंह खोला है, ये मुंह भी खोला लेकिन आवाज़ दबा ली। तो एक वो भी चाहिए कि वॉइस भी पंच होना चाहिए और मुंह भी खुला होना चाहिए, कहते हैं। और ये चीज़ हमेशा बताई जाती है कि जब रियाज करो तब मुंह को बड़ा खोलो, ऑटोमेटिकली जब वो अप्लाई होगा गीत में या आप जो चीज़ें गाओगे, जब राग गाओगे तो ऑटोमेटिकली वो मुंह कम हो जाएगा शब्दों अनुसार, है ना। क्योंकि हर शब्द का जो है इसको ये समझिए वॉइस कल्चर के अंदर आती है ये सारी चीज़ें, है ना। वॉइस कल्चर आपका साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोजेक्शन, है ना, उसमें आती है सारी चीज़ें। जैसे कि आपको मैंने बताया था एक दिन कि आप जब 12 खड़ी का रियाज करते हैं, अगर आप संगीत प्रभावली के सब स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि 12 खड़ी का रियाज हम क्यों कराते हैं, क्योंकि एक एक अक्षर को एक एक स्वर पे जब हम ले जाते हैं, है ना। बहुत जल्द हम एक वीडियो देंगे जिसमें आप 12 स्वरों में 12 खड़ी कैसे बोली जाती है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो हम करेंगे जल्द, है ना। फिलहाल आप उसको सापर करते हो, एक स्वर पे 12 खड़ी करते हो, तो क्यों करते हो, उससे आपको मालूम चलता ना हर एक अक्षर का प्रोजेक्शन कितना लंबा है। फिर एक मैंने आपको याद हो तो बताया था कि वैरागी भैरव में उसको करना होगा, सारे मा प नि सा रे नि सा नि प म रे सा अ आई उ ए ऐ ओ औ अंग ह। क्यों बताया था, क्यों करने को कहा था, ताकि एक एक अक्षर एक एक स्वर पे जब निकलेगा तो आपको मालूम है कि उस अक्षर की जो आस है उसमें कितनी एनर्जी जाती है और कैसे वो बाहर आती है चीज़ें, जो स्वर है वो कितना पावरफुल लगता है उस अक्षर में, है ना। ये चीज़ का ख्याल रखें, ये साउंड प्रोजेक्शन में, वॉइस कल्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं। और अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है कि सारे ग म की जगह सारे गा मा क्यों गवाते हैं कुछ लोग, वो भी इसी कारण से है, ताकि गा बोलोगे तो मुँह बड़ा खुलेगा तो पंच आएगा आवाज़ में, है ना। सारे गामा पा, थोड़ा बड़ा मुंह खुल रहा है तो पंच आ रहा है, लेकिन जब गायकी आती है तब
तब गामा पा नहीं बोलना होता, तब गम पा ही बोलना है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो दम है वो उतना ही लगेगा। ये शुरुआती दौर है, ये बिगिनर्स के लिए है कि उनका रियाज के लिए, उनके आवाज़ निकालने के लिए, दम निकालने के लिए, वॉइस में पंच लाने के लिए ये गामा पा कराया जाता है ना, गामा पा धा, वरना वो क्या है, गम प ध, उन्हें गाना वैसे ही है ना। इसलिए जब रियाज करते हो तो ऐसे किया करो, जब सारे गम प ध नि रियाज कर रहे हो तो गामा पा धा भी गा सकते हो, मगर ये मद्देनजर, ये ध्यान रखते हुए हमेशा कि ये गामा पा धा नहीं रहेगा हमेशा, आदत नहीं बनाना है उसे, सोच समझ कर उस चीज का रियाज कर रहे हैं हम, है ना। अगर ये गलत भी कर रहे हैं हम, ये शब्द तो गलत ही बोल रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है ना। जैसे एक बहुत पहले एक वीडियो दिया था हमने आकार पे और हाकार पे, आपने, आप शास्त्रीय संगीत में आप लोग नए हैं वगरना आपको पता चलेगा कि शास्त्रीय संगीत में जब गायकी होती है तो एक होता है आलाप और एक हाकार कहते हैं, यानी ह साउंड से, ह शब्द से शुरू होता है आलाप। जैसे आ, 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 एक तो ये है और एक हा से शुरू करने से क्या बेनिफिट है, पंच आता है एक वॉइस में, है ना। लेकिन वो पंच रियाज करो तो ह से करो, जब गायकी में आएगा तो ह नहीं, वो आदत हो जाती है फिर धीरे धीरे कि गले को वो पंच डेवलप हो जाता है। तो ये कुछ वो एक्सरसाइजेज है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइजेज आर नॉट मेंट टू बी परफॉर्म्ड, है ना। एक्सरसाइजेस परफॉर्म थोड़ी करी जाती हैं, एक्सरसाइजेस तो शरीर को बिल्डअप करने के लिए होती है ना, तो हमारा गला इससे बिल्डअप होता है हाकार करने से, या फिर सारे गामा पाधा नीसा बोलने से, आकार करने से, बड़ा बड़ा मुंह खोलने से, है ना। लेकिन इसमें भी ये अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट नहीं करने जो कई लोग करते हैं कि लाइक कहते हैं ना चार अंगुल का मुंह खुला रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि चार उंगली ही मुंह में फंसा ली और उतना ही बड़ा, स्किन भी स्ट्रेच ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप हर किसी का मुंह नहीं खुलता उतना, बट मैक्सिमम जितना खुल सके बिना पेन के उतना खोलिए, ये नहीं कि इतना बड़ा मुंह नहीं फाड़ना है, क्योंकि इतना कॉन्टिन्यूसली आप नहीं कर पाएंगे, स्किन पेन करेगी, गला भी पेन करेगा, क्योंकि ये खींचेगा तो गला भी तो खींच रहा है ना, आउटर स्किन तो खींच ही रही है ना। और अगर एक्सटर्नली आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो इंटरनली स्वर सही आएगा ही नहीं कभी, तो वो भी ख्याल रखें। एंड बस इस चीज़ का कि मुँह बड़ा रहना चाहिए, कि ऐसे कि नहीं कि भाई तीली रख ली मुँह में, है ना। ऐसे लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं चीज़ें क्योंकि होता नहीं है, तो फिर नुकसान है उसके, है ना। कि कोई कहता है भाई मटके में मुँह दे के रियाज करेंगे उससे क्या गूंज आएगी, मटके में धूल होगी वो भी तो नाक में जाएगी, उससे क्या होगा, उससे भी तो हेल्थ पर फिर उल्टे असर हो रहे हैं। तो ऐसे हरकतें ना करें, इन एक्सरसाइजेस को करें, बड़ा मुंह खोल के कोशिश करें अक्षर वैसा निकालने की। और आलाप जब करते हैं, जब सवेरे आप रियाज करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जब सारे गम पद निसा फिर करते हैं, तो उस आंदोलन तो आना ही चाहिए, साथ में हाँ से शुरू करें, से हर बार नहीं बट शुरुआत हाँ से कर दें तो ठीक रहता है। सारे ग म प ध नि सा, सा नि द प म ग रे सा, हा। तो इससे क्या एक पंच मिल जाता है, एक पुश मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है और यही रीज़न है सारे ग म प ध नि सा का भी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और समझें कि कैसे रियाज करना है और कब उनको प्रेजेंट करते समय उन चीज़ों को हटाना है ना।